आज आपके फिनिश 24/7 की स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सफवाद। बीदर जिले के औराद में विधायक प्रभुवी चौहान की अध्यक्षता में औराद बी और कमलनगर तालुके के त्रैमासिक केडीपी प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित की गई। चलिए देखते हैं औराद से केपी न्यूज का संवाददाता अली पाशा की रिपोर्ट। बीदर जिले के औराद बी और कमलनगर तालुके के त्रैमासिक केडीपी प्रगति समीक्षा बैठक औराद बी तालुका पंचायत कार्यालय हाल में आयोजित की गई और आज भी और कमलनगर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए जल जीवन मिशन योजना के तहत लगभग 200 करोड़ का अनुदान लाया गया है। काम खराब हो रहा है, इसे तुरंत ठीक कराया जाए। इस अवसर पर तालुका विधायक प्रभु वी चौहान ने अन्यथा अधिकारियों को चेतावनी दी के अन्यथा वे सजा भुगतान के लिए तैयार रहे। इस बैठक में समाज कल्याण विभाग, उद्यान, स्वास्थ्य, रेशम वन, पंचायत राज, अभियंत्रण, जेस्काम, पिछड़ा वर्ग कल्याण समेत विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई। विधायक ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की भर्ती में जमकर अनियमितता बरती जा रही है और ये देखने में आया है कि आवेदकों से लाखों रुपये की वसूली की जा रही है। वो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पर कार्यालय को दलाल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए जमकर बरस पड़े। इस मीटिंग में विधायक प्रभु वी चौहान ने सुझाव दिया कि इस नियुक्ति को रद्द कर दोबारा नियुक्त किया जाना चाहिए। इसी संबंध में औराद तालुका के सहायक कृषि निदेशक औराद तालुका एडीए अधिकारी को तालुका विधायक प्रभु वी चौहान ने बताया कि किसानों से बात नहीं करते और अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। इस बैठक में समाज कल्याण विभाग, उद्यान, स्वास्थ्य, रेशम वन, पंचायत राज, अभियंत्रण, लोक निर्माण, जेस्काम, पिछड़ा वर्ग कल्याण समेत विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई। त्रैमासिक केडीपी प्रगति समीक्षा बैठक में तालुका पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी एवं कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक जियाउल्ला के औराद बी तालुका पंचायत के कार्यकारी अधिकारी माणिकराव पाटिल, सहायक निदेशक श्री कुमार घाटे और विभिन्न विभागों के अन्य तालुका अधिकारी उपस्थित थे। ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬಡಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಬರೀ
न्यूज 24/7 की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।